लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट। अनिल जी बहुत ही दमदार इसका मैं कहूंगा कि फंडामेंटल है। आई मीन जो हिसाब से इसके एक टॉप लाइन में हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली सिंस 4-5 इयर्स, जो हिसाब से इसके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन अनिल जी की ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो इसके प्राइस पैटर्न अगर हम देखें तो काफी एक अच्छा मूव हमें लास्ट 1.5 साल में ये स्टॉक में देखने मिला है। टेक्निकली एनर्जी में ये कहूंगा कि ये स्टॉक ने जो हिसाब से 550 के लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया था एंड एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंफर्म किया था टेक्निकली, ये शॉर्ट टर्म जो करेक्शन हमें देखने मिला है शुड बी यूटिलाइज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो 800 ऊपर के लेवल्स हमें जाते हुए देखने मिले थे इस स्टॉक के एंड उसके बाद लगभग ये स्टॉक मैनेजमेंट में कहूंगा कि अराउंड 15-20% का ये करेक्शन जो देखने मिला हमें शुड बी यूटिलाइज एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टेक्निकली जो हिसाब से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, मोमेंटम बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे के लगभग 1000 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकता है। तो 4 डिजिट्स का ये स्टॉक हो सकता है, 700 के करीब है, 700-707। एनर्जी जो नीचे में सपोर्ट है इसका वो बहुत ही अच्छा है, नजदीक है। जैसे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम तो 575 का है, तो 125 पॉइंट का नीचे में एक रिस्क है, ऊपर में 300 पॉइंट की जगह है इसमें स्टॉक में और जाने की। आई थिंक रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया बन रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट लॉन्ग टर्म कैटेगरी का स्टॉक रहेगा मेरा। बड़े टारगेट्स के लिए बड़ा स्टॉक जेके लक्ष्मी सीमेंट खरीदारी करके चले, यह है आपके लिए जय की राय। इस समय 1000 के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं।